देखो तो जरा, मैंने तुम्हारे लिए मछली और रोटी बनाई है। अरे अल्लाह, कितनी अच्छी हूँ ना मैं। अरे माशाल्लाह, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी थी। मगर तुम्हें एक बात नहीं पता है। क्या कह रही हो, मुझे सब पता है। नहीं पता, मैं समझाती हूँ। बात सुनो, जो हालत मेरी है उस हालत में इंसान को कुछ मीठा खाना चाहिए, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह। डिप्रेशन का बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कुछ मीठा खाएं, उससे मूड अच्छा रहता है। ये डेफिनेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि समझाती हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं जो तुम्हें इतनी दुखी नजर आ रही हूँ ना, यही डिप्रेशन है। तुम डिप्रेशन में हो तभी इसे अकेले में बातें करती हो क्या? हाँ बिल्कुल सही समझी। मैं जब भी डिप्रेशन में होती हूँ ना, अपने दिल की सारी बातें रिफ्की से कह देती हूँ। खैर छोड़ो ये सब। मेरे अंदाजे में हमें इन बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्यों ना तुम किचन में जाकर मेरे लिए कुछ मीठा बना कर लाओ, कुछ ऐसा जो कि क्रिस्पी भी हो और मीठा भी हो। जाओ ना। बिल्कुल समझ गई हूँ मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? बिल्कुल सही समझी, चलो जाओ। क्या करूंगी अब मैं आगे आरिफ की, क्या करूं मैं? टेलीफोन कर लेती हूं मैं। मैं सोच रही थी एक कॉल कर लूं। इजाजत है? वो उठाएगा, मैं काट दूंगी। हेलो बोल कर काट दूंगी। नहीं तो नहीं, मैं सिखा। अच्छा है यशम कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं, वरना मैं तो समझता कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे लग रहा है मैं पागल हो गया हूं, डेफने की तरह खुद से बातें कर रहा हूं। चुप हो जाओ यार सुनोन, मैं डेफने की तरह पागल नहीं होना चाहता। अराज, हाँ अगर मैं यहां कुछ देर और बैठा रहा तो पक्का डेफने की तरह बन जाऊंगा मैं यार। क्या मतलब? चलो अराज, हम दोनों अगर कहीं बाहर बैठकर बात कर ले तो कोई मसला है? हाँ ठीक है, चलो। हाँ चलो यार, ठीक है। हाँ चलो चलो, जल्दी करो। आपका मतलब का नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। कसम से यार, मैं इस फोन को। अरे क्या हो गया यार, गुस्सा नहीं करते ऐसे, रखो इसे। चलो यहाँ से चलते हैं, बाहर बैठ के बात करेंगे। पीछे हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हो रहा है वहां पर? छोड़ो, ओहो तुफैल, तो तुम हो, बड़ा आना जाना लगा हुआ आजकल। अच्छा अच्छा, मैं ज्यादा लंबी बात करने नहीं आया। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन जैसा तुम चाहते हो वो नहीं होगा। अपना सामान स्मगल करने के लिए किसी और को ढूंढो, मैं नहीं करूंगा। तुफैल, काफी पूरा एतमाद होकर आए हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। सातिर, मुझसे दुश्मनी मोल मत लो, जिंदा नहीं बचोगे। ये क्या कह रहे हो तुफैल, बेहतर तमीज से बात करो। किस तमीज की बात कर रहे हो तुम? तमीज का मतलब भी जानते हो तुम या नहीं? बात सुनो, अब अगर कोई भी चाल चलने की कोशिश की ना, तो ना ही तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने भाई से करूंगा और ना ही तुम्हारे कारोबार में साथ दूंगा। ये बात समझ लो तुम। तुफैल, तुम मेरा साथ देने पर मजबूर हो जाओगे। तुम अभी भी मुझे धमका रहे हो। एक बात याद रखना, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं, काटने के लिए दम होना चाहिए। गाली किसको दी? मैं दिखाऊंगा कि बोलता कौन है और करता कौन। कमीना साला, यही मार कर दफना दूंगा तुझे, समझा? फिर छोड़ दो इन्हें, वरना मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खड़े हो, ये बात जान लो। इस आदमी उसकी पिस्टल से नहीं डरता मैं। बस
बस। मुझसे पंगा मत लेना सातिर, बता रहा हूं तुम्हें। भाई आपने हमें मारने क्यों नहीं दिया उसे? क्योंकि ये मेरी लड़ाई है और मैं ही लड़ूंगा भाई। चले अपने लोगों को बता देते हैं, वो उसके जहाज में सामान रख देंगे और पीछे से पुलिस को इत्तला कर देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरे पास एक और प्लान है। हमेशा याद रखेगा, अगर वो दानिश के मसले सुलझाएगी तो मेरे मसले कौन सुलझाएगा? मेरा क्या होगा? जानते हो, मुझे भी दानिश नहीं पसंद। तुम्हारे साथ क्या किया? वो तो याद नहीं है मुझे, क्या किया था उसने? तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? शरीफ आदमी है यार, वो कुछ क्यों करेगा तुम्हारे साथ? वही तो, मेरा कजन है, शरीफ ही होगा, जानता हूं। असल में वो जो है ना डेफने, वो बनाती है पागल। क्या क्या बोले जा रहे हो मेरी बहन के बारे में? मेरी बहन नहीं पागल बनाती किसी को, पागल बनाती है तुम्हारी बहन, वो भी मुझे। ये देखो, देख लिया? मेरी बात सुनो भरूची, मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। तमीज से बात करो, समझे? तमीज से बात करना। बात सुनो, एक तो ये फौरन मेरा फोन काट देती है, दूसरा उठा भी ले तो ज्यादा बात नहीं करती, और उसके घर जाऊं जब बिना बताए चली जाती है। तो बताओ पागल, किसकी बहन बनाती है? कसम से, मानना पड़ेगा अच्छे इंसान हो तुम, बहुत अच्छे इंसान हो तुम। अच्छा इंसान हो काफी, मैं अच्छा इंसान हूँ, और तुम भी इतने बुरे भी नहीं हो, और इस पे कसम भी खा सकता हूँ मैं। शुक्रिया भरूची, तुम भी। चलो उठाओ एक और। ओ यशिम, उफ डेफने उफ, क्या हाल कर दिया तुमने मेरा। उसके छोड़ने का काम बना रहा हूं, तुम ही बताओ भरूची। पहले तो उसने छोटी सी एक फजूल बात पे लड़के छोड़ दिया मुझे, फिर मेरी आंखों में देख के इस्तीफा फाड़ दिया। इससे बुरा क्या हो सकता है? इस्तीफा फाड़ के तो अच्छा किया, बहुत कुछ गलत नहीं किया। क्या बोल रहे हो भाई? अरे तुम नहीं जानते, उसे मैंने ही भेजा था, जब ही ऐसा किया। बरूची, भाड़ में गए तुम्हारे मशवरे, और भाड़ में जाओ तुम। ये भी तो कह सकते थे उसे इस्तीफा फाड़ के गले लगा लेना या लिखो। सुनो तुम, मेरी बहन को अगर हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, क्या अगर उसके करीब आने की कोशिश भी की, इतना बुरा हशर करूंगा कि गिलास तांगे यहां से। समझ आई बात? वो मुझे वैसे भी अपने पास नहीं आने देती, मैं पास जाना चाहता हूँ तो यूं उड़ जाती है दूर, बहुत दूर। उसने अपना इस्तीफा फाड़ दिया,
मगर मुझसे कुछ कह नहीं रही, बस मुझे पागल बनाया हुआ है। जब भी वो मेरे सामने से गुजरती है लगता है उससे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे भाई। ऐसे ही है वो, ऐसे ही है वो, ये सब बहुत आसानी से कर सकती है यार डेफने। यालन नाराज, बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। बरूची, मुझ पे तरस खाने से अच्छा है मुझसे नफरत कर लो, नफरत, समझे? आजा मेरे भाई, तू मेरे गले लग जा। कितना परेशान है तू अपनी जिंदगी से। तुम मेरे भाई हो बरूची, आ जाओ आ जाओ। इधर से भी, इधर से भी भाई हम ठीक हो जाएगा सब। मुझे सिर्फ तुम समझते हो, सिर्फ तुम भाई। भाई हम, मैं नहीं समझूंगा भाई तो और कौन समझेगा। भाई हैं हम दोनों, भाई हैं, सब ठीक हो जाएगा भाई। कितने अच्छे बाल हैं भाई तुम्हारे। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, एक और पीते हैं। ये वाली यशिम के नाम, यशिम यशिम। तुफैल कहाँ रह गए थे तुम? तुफैल ये क्या हो गया? आराम से बोलो। आ जाओ। ये कैसे हो गया तुफैल, कुछ तो बताओ मुझे। हाय, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होगा। लैला, कुछ नहीं हुआ है। क्या कह रहे हो, कैसे कुछ नहीं हुआ? अपनी हालत तो देखो तुफैल, किसने मारा है तुम्हें? सच कहो, सातिर ने किया है ना, ये बताओ मुझे। उसके बंदों ने मारा है ना तुम्हें? जी नहीं, मैंने उन्हें मारा है। तुफैल मजाक मत करो। तुम्हारा हाथ तुफैल। कितने अरसे बात तो मेरी फिक्र कर रही हो तुफैल। लैला, अगर तुमने खुद को कुछ होने दिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम? और तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख सकोगे क्योंकि तुम तो मर चुके होगे ना, और मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाऊंगी, और मैं ये नहीं चाहती। तुम फ्लर्टिंग कर रही हो क्या मुझसे? ये तो मेरी लाइन है ना। नहीं तुफैल, मैं तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। तुम आज बहुत बोल रही हो लैला। हमारे बीच अब यही तो मसला रह गया है, मैं ज्यादा बोलती हूँ, जानते तो हो तुम। हाँ मैं जानता हूँ। तुफैल, लैला, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा दिल कर रहा है। ये अब बताओ, आप कौन फ्लर्ट कर रहा है मुझसे? जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुम ऐसे नहीं थे। पहले ये सब कुछ करने का तो वक्त ही नहीं मिला हमें, फौरन शादी जो हो गई थी। लेकिन लैला, हाँ, हम खुलकर प्यार नहीं कर पाए, क्यों ना आप कर लें? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है तो फैल मेरी जान। तो तुम चाहती हो कि मैं थोड़ी और कोशिश करूं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही, अगर तुम चाहो तो कर लूंगा। वाकई? तुम्हें पता है मैं तंग आ गया हूँ यार। किस चीज से तंग आए हैं बताएंगे? क्योंकि अब तक हम डेट पे नहीं जा सके। मेरा क्या कसूर है? हॉस्पिटल वालों ने लिस्ट में। जानता हूँ, आ मेरे साथ।
दानिश हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सोचा कि अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकता हूँ ना तुम्हारे पास। ये देखो, मैं चाहता हूं कि यशिम को अंदाजा हो जाए अब कि पूरे दिन मैं उसका इतना इंतजार करता हूं और वो मुझे इग्नोर करती है। यार बस बस यहीं पर रुक जाओ तुम बरूची। तुम मेरी बहन पे गुस्सा करने का सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बहन पे गुस्सा नहीं कर रहा हूं बिल्कुल। मैं अपनी मंगेतर पे गुस्सा कर रहा हूं। अच्छा ये कहा तुमने, ठीक है जो मर्जी करो कोई मसला नहीं। काफी अच्छे हो रास। रुको मुझे याद आया, मैं अपनी वाली पे गुस्सा करके आया, ठीक है ना? तुम कहीं मत जाना, यहीं बैठना। ए! आराम से। तुम होते कौन हो मेरी बहन के ऊपर गुस्सा उतारने वाले? हाँ मेरी बहन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे मुंह पे बोल रहे हो? हाँ तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा मैं। बरूसी तुम बिल्कुल भी होश में नहीं रहे। तुम बैठ जाओ, समझ गए ना? तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो, चलो बैठ जाओ। शाबाश। ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं हो बरूचे। करीबा मैं अपनी बंदी पे गुस्सा करूंगा, समझे तुम? अपनी बंदी, ठीक है? अब बीच में मत आना। बस या अल्लाह हद हो गई है, क्लास भी नहीं पकड़ा जा रहा है तुमसे यार। रहने दो, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, अब समझ गया मैं पूरी बात, ठीक है? वाकई अच्छे लड़के हो यार तुम, लोग समझते नहीं है, तुम्हारे जैसे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ तुम्हें उसको डांटना चाहिए, गुस्सा निकाल लो अपना। तुम एक एक चीज का हिसाब लो उससे जाकर और उससे जवाब लेकर ही आना, इतना आसान है क्या? एक तो प्यार करो, ऊपर से इनके नखरे भी उठाओ, जाओ हिसाब लो उससे जाके। हाँ लूंगा, लेना भी चाहिए, जाओ लो जाके। तुम भी करना। मैं भी करूंगा। उसने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। तो फिर हम दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए अभी तक? चलो उठो, अभी चलते हैं, खत्म करो पहले, जल्दी फिर हिसाब लेने चलना बरूचे। मेरे हिसाब में डाल देना, मैं बाद में दूंगा आके। हाँ चलो मेरे साथ। हिसाब लेना मैंने। अल्लाह हाफिज भाइयों, अल्लाह हाफिज, मजे करो। अरस हम कहाँ जाने के लिए बाहर निकले थे यार? हाँ हिसाब ले, हमने लड़ाई करनी है। किससे? सवाल अच्छा, अच्छा सवाल। लड़कियों से, बहुत गुस्सा करना हूं लड़कियों पे, बहुत। बहुत आला, मुझे भी अभी याद आया। अरास इसी बात पे मेरे दोस्त मेरे गले लग जाए। मेरा भाई, आजा आजा। मेरा भाई। चलो चलो बहुत हो गया। मेरी बात सुनो, उस लड़की ने क्या हाल बना दिया? और तुम भी ये डिजर्व नहीं करते बरूच। बिल्कुल भी नहीं। अभी जाके हिसाब लेंगे दोनों से। रुको मैं टैक्सी रोकता हूँ, रुको। टैक्सी!
अगर मुझे पता होता कि इस रिलेशनशिप में इतना मजा आता है, मैं तो बहुत पहले ही कर लेता। हाँ, जैसे तुम तो पहली बार रिलेशनशिप में आए हो। डर्टी कैसानोवा? क्या ये फिलोसोफर कैसानोवा नहीं था? मेरा ख्याल है कि हमें इस बात को अभी छोड़ देना चाहिए। इतना आसान नहीं है मेरी जान, यकीन दिलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर कोशिश करूंगा, लेकिन तुम कुछ टिप्स देना चाहो तो दे सकती हो। कैसे टिप्स? जैसे कि मुझे बताओ कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही जा रहा है। अच्छा बताओ, और क्या चाहती हो मुझसे? ये तो हम कर चुके हैं ना, इसके अलावा कुछ और? ये अच्छा है। पहुंच गए क्या? जी सर, पहुंच गए। अरे भाई, सच बताना बिल्कुल, क्या मैं तुम पर अपना गुस्सा निकाल लूं? भाई खुदा के वास्ते, अपना गुस्सा कहीं और जाकर निकालूं। अच्छे बंदे हो तुम, साथ दे रहे हो हमारा। कसम से तुमने मेरा जोश जगा दिया। इधर आओ, तुम्हें गले मिले बगैर जाने नहीं दूंगा मैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे बस बहुत हो गया, आप बहुत बार गले मिल चुके हैं, अब जाएं यहां से सर। अल्लाह अल्लाह, पैसे नहीं लोगे क्या? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग। अगर गले नहीं लगाना, बोल भी नहीं पा रहा है यार। गले नहीं लगाना था तो इतनी दूर लाए क्यों? इतनी भड़ास मैं किस पे निकालूंगा जाके? यहां लाके क्यों छोड़ा इसने मुझे? अल्लाह मेरा पाँव। यशिम, यशिम कहाँ चली गई? यशिम कहाँ? मैं इस पे कैसे सो सकता हूँ यशिम? ये सही है, अच्छा लग रहा है।
यालेन, 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 तुम दोनों को हिसाब देना पड़ेगा, समझ गई तुम? अरे तुमने तो पी हुई है। सही जवाब, लेकिन वजह पूछो ना मुझसे। नहीं पूछूंगी तुमसे, क्योंकि जो लड़के पीते हैं जरा भी नहीं अच्छे लगते हैं मुझे। चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले तुम पहले तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। नहीं बताऊंगी, मैंने इस्तीफा क्यों पढ़ा था नहीं बताऊंगी तुम्हें। उसका जवाब नहीं चाहिए। बात सुनो, अगर तुम ये पूछोगे कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया तो उसका जवाब भी नहीं देने वाली। उसका भी नहीं चाहिए तो और क्या पूछना है? मुझे खबरदार क्यों नहीं गया? क्या? वो मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल थे, काश तुमने मुझे खबरदार कर दिया होता। यालेन, अपनी जिंदगी को पहली दफा अपनी मर्जी से जी रहा था मैं। मुझे पता ही नहीं चला और कब सब खत्म हो गया। अगर तुमने मुझे खबरदार किया होता तो वो गलतियां नहीं करता ना मैं। मैंने तो नहीं छोड़ा। सही कहा तुमने, मुझे नहीं छोड़ा। तुम मेरे साथ ही हो, है ना? तुम मुझे छोड़ के भी मेरे साथ ही थी। तुम्हारे साथ मैं। अगर मुझे कभी छोड़ के गई, मैं बताऊंगा खुद को कि तुम आओगी, फिर मैं इंतजार करूंगा चाहे जितने दिन गुजर जाए, जितने भी दिन, महीने या साल, इंतजार करूंगा तुम्हारा। तुम आओगी ना? मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हें कभी इंतजार नहीं कराऊंगी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, ठीक है ना? वादा करती हूँ। प्यार कभी खत्म नहीं होता, और इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिला के ही रहूंगी यालेन। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। Kendimi sonra kuş bular.
sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca yanımda kalsan. Hep yanımda olsan, gitmesen dursan, öylece baksan bana söz versen, sözünden hiç dönmesen ömrün boyunca, hep beni sevsen. Ama çok zor, bırakmazlar aşkımızı, yaşatmazlar birbirimize kalkan olamazsak eğer. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi. Sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca yanımda kalsan. Hep yanımda olsan, gitmesen dursan, öylece baksan bana söz versen, sözünden hiç dönmesen ömrün boyunca, hep beni sevsen. Ama çok zor, bırakmazlar aşkımızı, yaşatmazlar birbirimize kalkan olamazsak eğer. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. जरा तुम्हारी वीकनेस कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही। मेरा महबूब, मेरा सनम, जो लड़की भी देखेगी उसे वो लड़की पड़ जाएगी मुश्किल में। ये तो डाकियाड है।